जियो के दमदार एंट्री के बाद आज टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो यानी कि 5 सितंबर को 2 साल हो गए पूरे। जी हाँ, कंपनी 5 सितंबर 2016 में शुरू हुई थी। उस समय शुरुआती कई महीने तक जियो ने मुफ्त में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग डाटा दिया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जियो के लॉन्च होने के बाद से ही कंपनी ने कई सारे प्लान्स लॉन्च किए, जिसके बाद से अन्य यानी कि जितनी अदर्स टेलीकॉम कंपनीज हैं, ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने भी अपने सस्ते प्लान्स और कई सारे प्लान्स में बदलाव भी करने शुरू कर दिए। इसके अलावा रिलायंस जियो ने कई अन्य सेवाएं भी शुरू की। पिछले 2 सालों में रिलायंस जियो के करोड़ों यूजर्स बन गए और कंपनी के यूजर्स सबसे तेजी से बढ़ भी रहे हैं। इस समय 215.3 मिलियन यूजर्स हैं जियो के। जियो का ये भी दावा है कि अब देश में 370 करोड़ GB डाटा हर महीने इस्तेमाल होते हैं। इसमें जियो फोन, जियो 4G सेवा, जियो गीगा फाइबर आदि शामिल हैं। इतने सारे नए नए प्लान्स, नए नए ऑफर्स जियो ने पेश किए। चलिए आपको एक छोटे से पॉइंट्स में सारे चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले जियो 4G सेवा। जियो 4G सेवा को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं। कंपनी ने दिसंबर 2015 में 4G सेवा अपने 1 लाख रिलायंस कर्मचारियों के लिए शुरू की थी। हालांकि इसे बीटा टेस्टिंग के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद जनवरी 2016 में कंपनी ने वाईफाई सेवा की शुरुआत की। जियो लाइव 4G स्मार्टफोन। आपको ये बता दें कि 4G सेवा की शुरुआत के बाद जियो ने बजट 4G वाले स्मार्टफोन ब्रांड एलवाइव की शुरुआत की। ये मार्च 2016 में शुरू किया गया था और अप्रैल 2016 में कंपनी की वेबसाइट jio.com लाइव हुई। रिलायंस जियो गीगा फाइबर, जियो फोन, जियो फोन 2। साल 2018 यानी कि अभी ही AGM में रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो गीगा फाइबर के बारे में ऐलान किया। इसके अलावा जियो फोन 2 के बारे में भी घोषणा की। जियो गीगा फाइबर एक फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा है जो रिपोर्टर्स के अनुसार कंपनी नवंबर में शुरू कर सकती है। इसके अलावा इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से शुरू हो चुके। वहीं जियो फोन 2 की बिक्री भी शुरू हो चुकी। कंपनी ने इसके कई सारे फ्लैश सेल की आयोजित किया जो कि बहुत ही अच्छी गई। 3 सेल लगातार किए गए जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार हुई। सेल्स में फ़ोन काफ़ी अच्छे से बिके, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि जियो फोन 2 में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और काफ़ी कम प्राइस में ये मिल रहा है। कंपनी ने पिछले साल जियो फोन को भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।